हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बहुत छोटी कंपनी बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगा के छोड़ सकते हो। ये कंपनी आने वाले समय में नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल के जैसा रिटर्न बना के दे सकता है। एक बहुत बड़ा मल्टीवे स्टॉक है। अब ये बहुत छोटी कंपनी है भाई, 1200-1300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो आप लोग इस कंपनी में भूल करे बड़ा पैसा मत लगाना, 15-20 हजार रुपया काफी है। ये कंपनी आपको खुद ही रिटर्न बना के देगा, आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। छोटी कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो रूल है भाई उसे फॉलो करो। आप लोग जो भी पैसा लगाइए वो लॉन्ग टर्म के लगाइए। जब तक आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाओगे नहीं, आपका बड़ा पैसा बनेगा ही नहीं। करोड़पति अरबपति बनना है तो पैसा लगा के भूल जाओ। और ये बुल मार्केट है, बहुत बड़ा बुल मार्केट है। 9-10 महीने पहले मैं बोल दिया था कि ये जो बुल मार्केट है वो 1.5 सालों तक रहेगा। 8,000 से मैं बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ये बुल मार्केट है। और आज देख लो निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा 10,800 का टारगेट, 13,000 का टारगेट कब का अचीव हो गया? 15-16,000 का भी टारगेट अचीव हो जाएगा। बैंक निफ्टी जब 22,000 का था तभी से मैं बोलना स्टार्ट कर दिया था कि 1 से 1.5 साल में बैंक निफ्टी 45,000 का हो जाएगा। और आज देख लो बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 36,000 का हो गया। 9-10 महीने पहले लोग क्या बोल रहे थे कि मंदी है मंदी है, और आज देख लो भाई मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है। कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था, बड़ा बड़ा टारगेट दिया था। बजाज फाइनेंस के बारे में बोला था कि 6,000 का हो जाएगा। उस समय बजाज फाइनेंस 1,800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है वो 5,500-5,600 रुपया है। तो हम जो आप लोग को बताते हैं भाई ना, वो पहले बताते हैं, चलने के बाद तो आपको सब कुछ बता देंगे कि पैसा लगाओ पैसा लगाओ। हम आप लोग को पहले बताते हैं, 2021 खत्म होते होते निफ्टी 20-21 हजार का होगा। तो आप लोग पैसा लगाइए, मार्केट रुकने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी आपको ढेर सारा पैसा बना के दे सकता है। और इसी टाइप की कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। और आप लोग वैसी कंपनी पैसा लगाइए जिसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिले, तभी वो पैसा बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। तो देखो नेट सेल टर्नओवर मार्च 16 में था वो 160.59 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 182.09 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर वाइज 160 से 182 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में टोटल इनकम था वो 164.58 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 203.84 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 16 में था वो 27.26 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 25.96 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में जो एबिटा था वो 31.25 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 47.71 हो चुका है। तो भैया इसका एबिटा बहुत ही बढ़िया है, 31 से 47 हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर का बहुत ही बढ़िया है। मार्च 16 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 14.10 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 31.80 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, ईयर टू ईयर वाइज 14 से 31 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में जो पैट था वो 14.10 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 31.47 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका रिपोर्टेड पैट है ईयर टू ईयर वाइज, 14 से 31 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज।
मार्च 16 में जो एनुअल ईपीएस था वो 6.41 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 15.72 हो चुका है। तो भैया ये भी शानदार है, एनुअल ईपीएस भी 6 से 15 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए। तो भैया इस कंपनी का नाम है एडीएफ फूड। ये कंपनी आप लोग को ब्रिटानिया नेस्टी नेस्ले जैसा रिटर्न बना के दे सकता है। अभी ये बहुत छोटी कंपनी है लेकिन भाई बिजनेस इसका बहुत ही बढ़िया है। 25 शेयर खरीद के छोड़ दीजिए और मुझे लगता है कि इस कंपनी पैसा बनेगा और भैया पैसा बन भी रहा है एडीएफ फूड में। और ये बहुत पुरानी कंपनी है, 90 साल पुरानी कंपनी है, और इस टाइप के बिजनेस करने वाली कंपनी में तो आपका पैसा बनेगा ही। आप इस कंपनी में छोटा भी इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। खाना पीना हम लोग कभी भी बंद नहीं करेंगे। एडीएफ फूड का कुछ फेमस ब्रांड भी है, आप लोग जानती होंगे, अशोका, ट्रूली इंडियन। ट्रूली इंडियन में आप ये सब देख सकते हो, दाल मखनी, पालक पनीर, ये सब जो प्रोडक्ट है आपको जर्मनी में मिलेगा, मटर पनीर, पोटैटो पनीर, पनीर बिरयानी, आलू पालक पराठा। तो भैया ये सब कंपनी में आप लोग पैसा लगाइए, पैसा बनना तय है। और पैसा लगा के छोड़ दीजिए, खरीद के भूल जाइए। पंजाबी समोसा बिना लहसुन प्याज वाला, मिनी पोटैटो सैंडविच समोसा, और भी भाई कई तरह के समोसे हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी। तो आप लोग इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और देखें कि ये कंपनी क्या क्या बेचती है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एडीएफ फूड पे मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 11 सितंबर 2019 को बनाया था। यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ब्रिटानिया जैसा रिटर्न देगा, 90 साल पुरानी कंपनी, किस प्राइस से बनाया था, आप लोग को मैं वीडियो प्ले करके भी दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो 265 रुपया 85 पैसा में बनाया था 11 सितंबर 2019 को। और भैया अभी इस कंपनी का क्या प्राइस है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। तो अभी इस कंपनी का प्राइस जो चल रहा है वो 672 रुपया 45 पैसा और लाइफ टाइम हाई है 705 रुपया। तो 265 रुपया से ये स्टॉक 705 रुपया तक गया था। तो आप लोग एडीएफ फूड में पैसा लगाइए, ये एक मल्टी बाय स्टॉक है, इस टाइप के बिजनेस वाली कंपनी में आपका पैसा बनेगा ही। हम लोग कभी भी खाना पीना बंद करने ही वाला नहीं है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कांटेक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। और आप लोग ब्रिटानिया नेस्टी में पैसा लगाइए, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। अभी ब्रिटानिया नेस्टी रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटानिया नेस्टी आगे रिटर्न बना के नहीं देगा। आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आप लोग को पता होगा ब्रिटानिया नेस्टी पे मैं 4000 रुपए के प्राइस से वीडियो बनाया करता था, उसके बाद स्टॉक 7500 रुपए तक गया था और फिर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, बोनस स्प्लिट हुआ था। 8-9 महीने से ब्रिटानिया नेस्टी रिटर्न बना के नहीं दे रहा है लेकिन भैया ब्रिटानिया नेस्टी रिटर्न बना के देगा। ये सब कंपनी में आपका पैसा सेफ है और रिटर्न तो बनना भाई तय है। ब्रिटानिया नेस्टी, एचयूएल, नेस्ले, ये सब कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भैया शांति से बैठे रहना। जिनके पास पेशेंस है वही लोग इन कंपनियों में पैसा बना सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी स्टॉक लगातार रिटर्न बना के देगा, सभी बजाज फाइनेंस भाई नहीं होता है। बजाज फाइनेंस भी 2016 में 8-9 महीने तक स्टॉक रिटर्न बना के दिया ही नहीं था, लेकिन आज के डेट में देख लो स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी HDFC AMC नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं खराब कंपनी है। तो जो लोग खरीद के बैठे रहते हैं ना उन्हीं का पैसा बनता है, और जिनको भाई जल्दी है इंस्टेंट रिटर्न बनाना चाहते हैं उनका तो पैसा कभी बनता ही नहीं है। और ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में गंदी कंपनी पैसा लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में तो पैसा बनता ही नहीं है। तो भाई आप गंदी कंपनी पैसा लगाओगे तो आपका पैसा कहां से बनेगा? अभी तो बुल मार्केट चल रहा है, किसी भी कंपनी में पैसा लगा दोगे ना तो आपका पैसा बन जाएगा। बुल मार्केट हमेशा तो नहीं रहेगा, ज्यादा ज्यादा बुल मार्केट 5-6 महीना और चलेगा। तो अच्छी कंपनी खरीदिए, बैलेंस शीट देख के पैसा लगाइए, नहीं तो फिर भाई आपको कोई नहीं बचाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में 5-6 हजार के प्राइस में बेच दिया, इंडिया मार्ट में 4 हजार के प्राइस में बेच दिया, बजाज फाइनेंस 25-26 रुपए के प्राइस से बेच दिया, एफएल इंडिया 2500 रुपए के प्राइस से बेच दिया। तो भाई देखो ऐसे अगर आप करोगे तो बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाओगे। शेयर मार्केट में आयो तो बड़ा रिटर्न बनाने के बारे में सोचो, 10%, 20%, 50%, 100% रिटर्न बनाने से कुछ नहीं होता है। जिस कंपनी में आप लोग को लॉस होते रहता है उसको कभी नहीं बेचते हो, और जिस कंपनी में आपको प्रॉफिट होते रहता है 10-15% 25% का प्रॉफिट होता रहता है उसको तुरंत बेच देते हो, और लॉस वाली कंपनी को कभी नहीं बेचते हो।
जिसकी वजह से आप लोग का पैसा बन नहीं पाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग बोलते हैं ना कि मैं डिक्सन को बेच दिया हूं, इंडिया मार्ट को बेच दिया हूं, एफएल को बेच दिया हूं, बजाज फाइनेंस को बेच दिया हूं। बजाज फाइनेंस क्यों बेचे? बजाज फाइनेंस तो निफ्टी 50 का स्टॉक है, टॉप की कंपनी है। तो ऐसे करोगे ना तो दिन भर बाय और सेल करते ही रह जाओगे और मार्केट निकल जाएगा। और फिर बोलोगे आप लोग 10 साल बाद 15 साल बाद कि शेयर मार्केट तो पैसा बनता ही नहीं है। बड़ा पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप 10,000 रुपए लगाइए, 1,00,000 रुपए नहीं लगाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब तक आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाओगे नहीं, आपका बड़ा पैसा बनेगा ही नहीं। फिर आप कैसे सोच सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला बनूंगा? राकेश झुनझुनवाला जी इस मार्केट में 40-45 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप भी 40-45 साल इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, आप भी करोड़पति अरबपति बन जाइएगा। आपका भी नेटवर्क 10,000 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन आज खरीदोगे कल पैसा बन जाएगा, ऐसा तो भाई होने वाला नहीं है। ऐसा अगर होता तो सभी लोग पैसा बना लेते। और ये बुल मार्केट है, 8,000 से मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये बुल मार्केट है। और ये जो बुल मार्केट है वो 1.5 सालों तक रहेगा। 9-10 महीना पहले मैं बोल दिया था कि ये जो बुल मार्केट है वो 1.5 सालों तक रहेगा। मेरा 10,800 का टारगेट, 13,000 का टारगेट कब का भाई अचीव हो गया? 15-16,000 का भी अचीव हो जाएगा। 2021 खत्म होते होते निफ्टी 20-21,000 का होगा। जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी लोग मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे उनको इंटरनेट टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।